अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एथलीट 360। अच्छा, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी काइनेटिक चेन पे। अच्छा, काइनेटिक चेन वो चीज़ है जो आम बंदे के लिए भी ज़रूरी है और स्पोर्ट्समैन के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, काइनेटिक चेन वो चीज़ है जो ये बता देती है कि आपकी बॉडी का कौन सा मसल वीक है, किस पे काम किया जाए। अगर फैट है तो फैट लॉस होता है, और अगर फैट नहीं है तो मसल पे काम होता है। अच्छा, काइनेटिक चेन ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी ये गर्दन से स्टार्ट है और मेरी एड़ी तक काइनेटिक चेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में कोई चीज़ है और मैं उसको ऐसे फेंकता हूँ, उसमें मेरी काइनेटिक चेन यूज़ नहीं होगी, सिर्फ शोल्डर का मसल यूज़ होगा। इसमें मैंने काइनेटिक चेन इन्वॉल्व ही नहीं करी, तो इसमें पावर नहीं आएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं ट्विस्ट हुआ हूँ, फेंकूँगा तो अब मेरी जो है वो नीचे काफ का मसल, थाई, लोअर बैक, अपर बैक, देन आई प्रेस द बॉल। अब मैंने बॉल थ्रो किया, अब काइनेटिक चेन यूज होगी, अब मेरे पावर में, अब मेरे थ्रो में फर्क आएगा। अच्छा, अब काइनेटिक चेन चेक कैसे होती है, अब मैं आपको वो बता दूं। ये प्लैंक है, स्ट्रेट प्लैंक, शोल्डर के नीचे हाथ, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट, कहीं टेढ़ी मेढ़ी बॉडी नहीं होगी। अब मैं अपनी जिस्म के हिसाब से या अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जहाँ तक इसको ले जा सकता हूँ मैं ले जाऊँगा। अब मेरा जो मसल वीक होगा वो थोड़ी देर में शिवरिंग स्टार्ट कर देगा। आया कि वो 1.5 मिनट में होता है, 2 मिनट में होता है, कितने भी मिनट में होता है वो शिवरिंग स्टार्ट कर देगा, फिर मैंने उस मसल पे काम करना है। अब देखिए, ये जो मैंने है ना, अब मेरी लोअर बैक जो है वो शिवरिंग स्टार्ट कर दी है उसने। इसका मतलब ये है कि मेरी लोअर बैक जो है मेरी बाकी बॉडी से वीक है। तो अब आप जब प्लैंक में आएंगे ना, स्ट्रेट प्लैंक में, तो जो भी आपका मसल वीक होगा वो आपने उस पर काम करना है। तो आपने अपने घरों पे 30 सेकंड 20 सेकंड के स्टॉपवॉच लगा के उस पर प्लैंक करेंगे, और जो भी आपका मसला हो, जो भी मसल आपका वीक हो, वो मुझे आप जो है वो कमेंट्स में बता दें। जज़ाकअल्लाह।